हेलो फ्रेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय होल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम लास्ट वीक। आई एम जस्ट अ बिगिनर ट्रेडर बट स्टिल आई अर्न 20% प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम 50,000 कैपिटल एंड करेंटली माय वर्थ इज 60,000 विद इन वन वीक। सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू विद इन टू मिनट। सो सबसे पहले मैंने ऐसे पेनी स्टॉक को चूज किया जिनका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा हो, या मैंने NSE की वेबसाइट और सिंपल गूगल पे सर्च करके देखा कि किसका चार्ट पैटर्न कैसे मूव कर रहा है, और इसके साथ ही मैंने देखा कि हाँ ग्रोथ किसका हो सकता है फ्यूचर में, लाइक ईवी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर एंड करंटली इन अ लॉकडाउन पोजीशन, दीज आर द रैपिड ग्रोथ सेक्टर, ओके, एक्सेप्ट ऑयल गैसेस एंड मेटल सेक्टर। सो मैंने टारगेट इन्हीं के शेयरों को टारगेट किया, और सबसे पहले मैंने ऐसे शेयर को चूजा जो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हों और साथ साथ में पेनी स्टॉक हो, क्योंकि पेनी स्टॉक में रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बस डिसएडवांटेज यही है कि जब इन पे लोअर सर्किट लगता है तो आपको सेल करने का ऑप्शन बहुत कम रह जाता है, तो आपको इसको मॉनिटरिंग करना है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ना रहें। जैसे 50% 60% प्रॉफिट हो आपको वहाँ से सेल करके निकल जाना चाहिए, और ये इसी स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो किया, और मैं रोज़ 9:15 to 9:30 मॉनिटरिंग करता था एंड इवनिंग में भी 3 to 3:30 मॉनिटरिंग करता था। और रिसेंटली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने एक दिन न्यूज़ सुना कि रिवॉल्ट मोटरसाइकिल का प्रॉफिट बुक मतलब सेल बुकिंग 500 करोड़ के अप्रॉक्स हुआ है, सो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि हाँ रिवॉल्ट मोटरसाइकिल के शेयर को देखना चाहिए। तो मैंने देखा कि हाँ रिवॉल्ट मोटरसाइकिल का देर इज़ नो अवेलेबिलिटी इन अ शेयर मार्केट, बट स्टिल आई होप, देन आई जस्ट गो एंड चेक विच कंपनीज शोज प्रेफरेंस इन रिवॉल्ट मोटरसाइकिल, देन आई फाइंड रत्ना इंटरप्राइजेज, रत्ना इंडस्ट्रीज एंड रत्ना पावर शोज इंटरेस्ट टूवर्ड्स रिवॉल्ट मोटरसाइकिल, एंड दे इन्वेस्टेड 43% स्टेक इन रिवॉल्ट। सो मुझे लगा कि हाँ इसका फ्यूचर बहुत है, तो मैंने आज ही रत्ना पावर एंड रत्ना इंडस्ट्रीज़ के शेयर को परचेज किया, और साथ ही साथ मैंने 4% की प्रॉफिट भी गेन किया, और ये दोनों शेयर आज अपर सर्किट पे थे, और मुझे उम्मीद है कल भी ये अपर सर्किट में रहेंगे। थैंक यू।